स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपडेटेड टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप में आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपडेटेड टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लगे ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो हमें नीचे आ जाओ, नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिस्टम। तो हमें सिस्टम पे क्लिक कर देना गाइस। और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डेट एंड टाइम। तो हमें उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़ नेटवर्क प्रोवाइड टाइम, अगर आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है तो आपका जो डेट एंड टाइम है वो नेटवर्क के हिसाब से चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से करना है आपको, तो आपको इस ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना। तो यहाँ पर आपको डेट पर क्लिक कर देना, जितनी भी डेट है आपको उस पर क्लिक कर देना, वैसे ओके कर देना। और यहाँ पर टाइम पर क्लिक कर देना, और आपको जितना टाइम लगाना है अपना इस तरीके से उस पर क्लिक कर देना है, इसे ओके कर देना। तो गाइस यहाँ पर यूज़ नेटवर्क प्रोवाइडर इस ऑप्शन को आपको ऑन करना है तो आपको वो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है यूज़ 24 फोन में। तो आपको इस ऑप्शन को ऑन करना तो आपको इस ऑप्शन को 24 घंटे वाला हो चुका है, जो जिससे कि आपके फ़ोन में 1 बजेगा तो 1 नहीं 13। अगर आप चाहते हैं कि 24 घंटे वाला करना तो आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना, तो आपके ये 1 के बजाय 13 बज जाएंगे। तो इस तरीके से आप फोन में डेटा टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।